देखो ये खड़ी अपनी शोनी शिव उस्ताद जी का, देखो बोर्ड नंबर यहाँ विजिबल हो रहा है, ये खड़े शिव उस्ताद जी। तो पहले पहले स्टार्ट कहाँ से करने वाले उस्ताद जी, मीटर वायर से? मीटर वायर सर्विस चालू करेंगे पहले, मीटर की जो है मतलब ये देखोगे ऑन ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद शॉकर ऑयल वॉयल, ठीक है, शॉकर में ऑयलिंग हो जाएगा, ठीक है। फिर इंजन का ऑयल भी नया डाल देंगे हम, ठीक है ना। कार्बेटर की ट्यूनिंग होगी, टैपिट वगैरह टाइमिंग चेन वगैरह सब सुन कर दोगे मतलब, है ना, ठीक है। तो गाइस पहले उस्ताद जी करेंगे, पहले ये वाला करेंगे, फिर शॉकर करेंगे, फिर कार्बोरेटर की थोड़ी सी ना क्या हो रहा है कि आरपीएम इसका भाग रहा है, ऊपर जा रहा है ना, तो आरपीएम सेट कर देंगे तो एक तरह सर्विस हो जाएगी, इसी तरह से है, ठीक है, पूरी सर्विस हो जाएगी, ठीक है। तो भाई ये हो जाएगा, और बाकी इसका एग्जॉस्ट नोट जो है मैंने बदल, मतलब एग्जॉस्ट जो है बदल दिया, एक बार नोट सुनाते हैं सही स्टार्ट करने के बाद। तो आवाज़ कुछ ऐसी है भाई, देखिए ये विदाउट एक्सीलरेटर है और इसकी कुछ आवाज़ ऐसी है। तो अभी देखो अपना भाई जो हो गया, आरपीएम हाई हो गया, तो बाकी ये बाद में ठीक हो जाएगा ना, आरपीएम वरपीएम सब सुन हो जाएगी गाड़ी एकदम बेहतरीन, ठीक है ठीक है। और इंडिकेटर भी लगाए देंगे उस जी आज में, तो भाई देख लो ऐसी लग रही है फिलहाल अभी, ठीक है। इंडिकेटर लगने पर अलग लुक आ जाएगा, बाकी ये जो है बाद में जब पेंट पे जाएगी सलीम उस्ताद जी, जब सब साफ हो जाएगा बड़े तरीके से, है ना भाई। देखो उस्ताद जी के बाद जो मैं आया हूँ ना, इनका बहुत बहुत ज़्यादा नाम है, और यहाँ नहीं दूर दूर तक है, तो चंडीगढ़ पंजाब इधर तो पता नहीं कहाँ से गाड़ी आती रहती है, कस्टमर के बहुत दूर दूर से। ये उस्ताद जी कहाँ सी गाड़ी है ये? ये दिल्ली की है। तो भाई दिल्ली की गाड़ी है, देखो ये फुल रीस्टोर हो रही है, फुल देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि हेड देख लो, ठीक है, उंगली देख लो कितनी ज़्यादा विजिबल होती है, क्रोम हो गया, इधर पेंट हो गया, पेंट जो भी काफ़ी अच्छा हुआ हुआ है, और ये देखो ये पेंट जो है मेरे को लग रहा है सलीम उस्ताद जी ने करा है, ठीक है ना, बाकी इनसे पता कर लेंगे। एक गाड़ी इधर रेडी हो रही है, तो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा रेडी होती है, कस्टमाइजेशन करते हैं काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से। तो किसी को करानी हो RS 100, 350, इम्पल्स, एक्सपल्स, कोई सी भी, ठीक है ना, चार सिलेंडर हो चाहे सुपर बाइक हो, वो कर देते हैं ये, ठीक है ना। Look at people and I wonder all day, who are you when you are not the one in your way? And then I think about myself and I stay, I'm a pretty boss, we're gonna shit Brian what? आपके सामने देखो इसके अंदर फॉर्म वाला निकला है, वैसे तो हमें लग रहा था कि शायद में गत्ते वाला निकलेगा, बट गत्ते वाला नहीं निकला, क्योंकि जो पहले वाले जो इसके ओनर थे उन्होंने ये लगा रखा है ऑलरेडी, तो साफ हो गया, क्लीन हो जाएगा एकदम बढ़िया, यही कामयाब हो जाएगा, है ना, सही है सही है। तो गाइस देखो अंदर से कुछ हालत ऐसी निकल रही थी, देखो अंदर से साफ है, ये ऊपर से अगर ये नहीं होता सारी ये जो कचरा है अंदर चले जाता है उस्ताद जी, कार्बोरेटर खींच लेता। तो भाई देख लो आपके सामने ये सब चीज़ें, और बाकी हेड खोल रहे हैं यहाँ पे बढ़िया तरीके से, शरद भाई खोल रहे हैं अपने, ठीक है ना, लगे हाथ कार्बोरेटर भी खोल देंगे इसका। और चेसी देख लो अंदर से ऐसी है पूरी, इसकी गली सड़ी नहीं है, ये ठीक बात है, क्यों का सेंसर है। तो हालत देख लो गाइस इसकी कुछ ऐसी है, अभी ऐसी है, बाद में देख रहे हैं, बाकी इसकी स्लाइड वराइड सब सब सही है ना, सही है सही है। ओह माय गॉड ये टूटा हुआ निकला। ओह ये क्या होता है सर जी? ये है चेन गाइड। चेन गाइड, ओ भाई साहब ये टूट गया था, इसमें टूटा पड़ा था ये, क्या बात है। ये क्या काम करता है सर जी? ये चेन जो टाइमिंग चेन होती है, हाँ हाँ, उसको गाइड करता है, यानी साइड से लगा रहता है, साइड से चेन चलती है। अच्छा अच्छा, ये चैम्बर से ही टच करेगी। हाँ अच्छा अच्छा, जो चैम्बर अगर वाला सही, ऑलरेडी पहले चिपका के लगा रखा है, क्या बात है। तो भाई ये फुल ऑन जुगाड़ कराया हुआ था, जिस बंदे की गाड़ी थी उस बंदे ने मकैनिक से बोला हो या ना बोला हो, लेकिन मकैनिक ने जुगाड़ करा हुआ है ना। तो भाई देख लो आपके सामने यार, ये क्या एल्फी है क्या सर जी? हाँ क्या बात है, देखो एल्फी का ये हाल है, और देख लो भाई क्या क्या टूटा टाटा है, क्योंकि हमें तो इसे लॉन्ग रोड पर जाना है। शरद भाई आराम से गर्म हो रहा होगा इंजन। तो भाई देख लो ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं आपको, बहुत सारे मकैनिक हैं, मतलब नाम बड़े बड़े कर देंगे, है ना, और काम ऐसे देख लो, ठीक है ना, तो एक्सपोज करूँगा आज मकैनिक को फुल जो वाला। यही होता है तसल्ली का काम, देखो अभी यहाँ पे क्या है मैं लेके आया हूँ, अभी क्या इनके हाथ पे कोई काम नहीं है, गाड़ी जितनी हुई थी चंडीगढ़ वाली, चंडीगढ़ वाली चली गई? हाँ, चली गई। तो और जो गाड़ी तो कर दी है, बाकी एक पैशन वहाँ पे खड़ी हुई है उसका भी काम हो गया है, एक इम्पल्स यहाँ पे देखो ब्लैक वाली खड़ी है, इसका काम भी ऑलमोस्ट हो गया है, ठीक है ना, वो वाली तो साजी की लाल वाली, ठीक है ना, उसी से इंस्पायर हूँ मैं, तभी मैंने ये लिए। और बाकी ये भी देखो इसका मैनिफोल्ड खोल रहे हैं, मैनिफोल्ड का काम करता है ऑक्सीजन एयर, मतलब सांस लेते हैं, पेट्रोल और एयर जाती है। अच्छा पेट्रोल और एयर जाती है यहाँ से, ठीक है, तो ये लूज होता है तो इसमें दिक्कत आने लगती है ना, अच्छा एयर ले आती है। तो भाई देखो ये भी खोल रहे हैं, चेक कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप खोल रहे हैं, ताकि पता चलता जाएगा कि गाड़ी में क्या क्या दिक्कत है, वो दिक्कत सही करते जाएंगे। जैसे पहले हेड खोल दिया, अब हेड में देखो वो टूटा मिला चेन गाइड, ठीक है ना, वो डाल देंगे, अब मैनिफोल्ड खोल रहे हैं, इसमें देख लेंगे क्या दिक्कत है क्या नहीं है, अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर है तो वो सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही जो है ना स्टेप बाय स्टेप काम करना चाहिए, ठीक है ना, मतलब कई लोग मैं देखता हूँ कि बस अपना अपना बस अपना अपना करते जाएंगे कि हाँ भाई हम ही हमें हम ही हमें, तो भाई ऐसा नहीं है, चीनी कम भी हो सकती है, थोड़ा ध्यान से, ठीक है ना। I'm a freak in the sheets, but I got class. I'ma grab a knife if you want it. Best you ever had, give it.
ऑयल बता रहे हैं उस्ताद जी कि मतलब ठीक ठीक निकला है, मतलब नहीं कि 100-200 ग्राम तो ऊपर नीचे हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी शरद भाई क्या एग्जॉस्ट खोल रहे हो? हाँ जी भाई, एग्जॉस्ट खोलेंगे, पूरा बैंड पैक खोलने खाली है। सही, चेंज चेंज खत्म पे ही अपना वाला रास्ता जी? नहीं नहीं सही है अभी। चलो बढ़िया भाई, तो भाई देख लो ये होती है जेन्युइन की, सही है तो सही बता दिया। और उतना नहीं पैसे नहीं चक्कर भाई, ये भी ख़राब है ये भी डलेगा, मतलब कार्बोरेटर ट्विनिंग हो जाएगी लेकिन कार्बोरेटर नहीं डल जाता भाई, ऐसे ऐसे मैं देखता हूँ बंदे में। मेरे को इंस्टाग्राम पे बताते हैं बंदे सर जी, कहते हैं भैया हमने वहाँ से काम कराया यहाँ से काम कराया, चीज़ ठीक हो सकती थी लेकिन तब भी जान मुझे बोल दिया कि नहीं ख़राब है, ये गलत है ना भाई। जो चीज़ ठीक हो सकती है वो करो ना, ठीक है तुम फिर मैकेनिक का बात की, नहीं तो मैं भी डाल दूंगा है ना, नहीं तो कोई भी डाल देगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम खत्म ही हो गई। मेरे को ना इंस्टाग्राम पे उस्ताद जी ऐसे ऐसे कमेंट आते ना, देख के दिमाग खराब होता है, क्या बताओ यार बंदे ऐसे कर रहे हैं काम। तो भाई इसकी अभी चेन जो टाइमिंग चेन होती है उसका जो वो एडजस्टर होता है उस पर जो उसका जो गाइड होता है उसकी वजह क्या होता है वेल्डिंग हो रखी थी, तो ये लगा लो। अब मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि जिस बंदे से मैंने बाइक खरीदी है मुझे नहीं लगता कि उस बंदे ने ये कहा होगा या उसको इतनी डीप नॉलेज होगी कि भाई इस पर वेल्डिंग करा दे तो एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये मकैनिक की हरकत है। अब ये देखो कि मकैनिक जो बंदा था उस बंदे ने क्या करा, इस पर वेल्डिंग कर दी है, उसे पता है कि भाई क्या नाम है बंदा ये हमेशा मेरे पास लेके आएगा तो मैं अपने आप देख लूँगा जब भी कुछ होगा, है ना, कहीं और तो जाना नहीं है, अगर कहीं और जाएगा तभी पोल खुलेगी। अब वो गाड़ी वहाँ ना, ये वाली गाड़ी वहाँ ना जाके यहाँ अलग जगह पे आई है, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि वेल्डिंग हो रखी है, बताओ पर इंजन के अंदर वेल्डिंग कर रखी है, बताओ यार इंजन के पार्टों से खेल रहे हैं। अब भाई टाइमिंग चेन, सारी टाइमिंग चेन कितने की आती होगी हार्डली? 250 रुपये की। और ये गाइड नया होगा 150। तो गाइज 250 रुपये की चीज़ को चलाने के लिए समझ रहे हो उस 100-150 की चीज़ पे वेल्डिंग करवा दी, बताओ ये तो दिमाग है यार लोगों के। तो भाई ऐसे मकैनिकों से बच के रहो, ऐसे मकैनिकों तो मैं भूल से भी कभी अपनी वीडियो में दिखाऊंगा भी नहीं, शकल भी नहीं दिखाऊंगा, और नाम तो दूर की बात, क्या हुआ बेचारा बता यार वेल्डिंग कर रहे हैं, बताओ यार साला कुछ टूट पता बता 5 रुपये फेविको फेविकॉल जोड़े गाइस छूटेगा नहीं। काम चल रहा है बारीकी से, देखो ऊपर वाला जो एलंकी बोल्ट होता है, एलंकी बोल्ट इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता, जो नॉर्मल ऐसे वाले बोल्ट होते हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, बट ये नहीं ख़राब होता। देखो ये इसी की हालत करी, देखो एकदम सड़ा दिया पूरा, पूरा मुँह जो है ना उसका फैला दिया। अब सर लगे भाई दांव पे मारने में कि भाई खुल जाए फटाफट से, और खोल तो खोलना तो खैर है ही से। फाइनली सर जी ने खोल दिया मैनिफोल्ड इसका, देख सकते हैं सर जी दिखाओ जरा बोल्ट, एलंकी से खोला जुगाड़ मार मार के खोल दिया साले को। वो कहते ना जब अपनी पा जाएंगे तो फिर खोल करेंगे, तो वाली बात थी। देखो कुछ ऐसी हालत हो चुकी थी इस वाले एलंकी बोल्ट की। तो गाइज अब से मतलब ये लगा लो मैंने बहुत जगह काम कराया, ठीक है ना, और जहाँ जहाँ काम कराया मैंने अच्छा लगा तो मैंने रिकमेंड कराया, और यहाँ जो काम करा रहा हूँ यहाँ का काम भी मुझे अच्छा लगा। ये यानी कि मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे, मैं यहीं पर बैठ रहता हूँ देखता रहता हूँ काम कैसा हो रहा है कैसा नहीं हो रहा, तो एक होता ना काम देख के पता चलता कि वाह भाई वाह काम अच्छा हुआ है, तो मन करता है कि मैं भी यहीं से कराऊंगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि यहीं से कराऊंगा, और इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, ठीक है ना। तो मैं जो भी चीज़ रिकमेंड करता हूं एक नंबर होती है। तो भाई देखो ये नए जो है एलंकी बोल्ट आ गए एकदम ब्रांड न्यू बढ़िया, ठीक है ना, तो ये लगा देगा हमारा शरद भाई। ये सर जी ये गियर की गरारी हो रही है क्या बड़ी वाली? कौन सी? ये क्या है टाइमिंग चेंज करा रही है? सेल्फी करा रही है। अच्छा तो यही करता है वो फुई। मुझे आवाज पसंद है भाई इसकी, जो आवाज है तो भाई अगर आपने इसकी आवाज़ मिला तो आपको सुनाई नहीं है, तो भाई अभी रुक जाओ जब ये गाड़ी पूरी पैक हो जाएगी ना तो इसका सेल की आवाज़ सुनाऊंगा। मैंने अपनी लाइफ में ना भाई ऐसा सेल किसी का नहीं सुना भाई, पुई से आवाज़ इसकी अजीब करके बड़ी मस्त लगती है मुझे। ये टूटा हुआ है, ये यहाँ से टूटा ना यहाँ से। तो भाई देखो ये ऐसे यहाँ से टूटा हुआ है, देखो देख रहे हो मतलब टूटा क्या बंदे, पहले टूट गया हुआ बंदे ने एल्फी लगा के जुगाड़ मार दिया था जो मैंने आपको दिखाया था पीस, और ये आइटम 100-200 रुपये का आता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है कोई, ये तो है नहीं कि 10-20-50 हज़ार का हो तो बंदा सोचे, 50 हज़ार का तो हम भी सोचते उस्ताद जी के जोड़ देते हैं ना, लेकिन इतना महंगा जब नहीं है तो भाई डाल दो ना खाली। 300 रुपये की चेन आती है। तो भाई ये होंडा की जेन्युइन देख लो, ये टाइमिंग चेन है उस्ताद जी है, ये मतलब वो हो गया कवर की गैसकेट की वो है, ठीक है, और ये चेन गाइड है, चेन गाइड है, ये बढ़िया भाई ओरिजिनल है, बढ़िया सही है। तो देखो ये सामान आ चुका है, बस ये डलेगा और तो कुछ नहीं डला ना, ठीक है, बाकी सब तो सेटिंग हो जाएगी है, ठीक है, और बाकी ये भी डाल देंगे उस्ताद जी से। यार ये मैं पता क्यों नहीं डालना चाहता, हाँ हल्के क्या? नहीं नहीं हल्के नहीं,
है तो बहुत बढ़िया क्वालिटी, फिर एक साइड में लिखा हुआ उल्टा आ रहा है। कोई बात नहीं ना, अरे बेकार लगे, मैं वापस करने के लिए। अच्छा अच्छा चलो, तो बाहर भी डलवा लेंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है, और उसके बाद जो इसकी आवाज़ होगी वो सेट कर देंगे उस्ताद जी। बाकी क्लीनिंग वगैरह हो गई है, ठीक है ना। और बाकी भाई जो मैं बता रहा था, तो मैला कुछ अला देखो, इसमें मैंने ना फिलहाल देखो हाथ में देख रहा हूँ फुल सिल्वर हो गए, तो मैंने यहाँ पे अगर मैं पेंट वो हो जो था पेंट चढ़ा हुआ था ना, इस पर पेंट चढ़े हुए था उस पर हमने क्या करा भाई, अच्छे से कपड़े से रगड़ दिया, कपड़ा वो पड़ा हुआ नीचे धब्बे खेलेंगे आपको स्टेन तो साफ कर दिया। देखो इसका ओरिजिनल कलर निकल के आ गया, तो ये ऐसा हो गया और ये काफ़ी हद तक ऐसा हो गया। बाकी इसमें देखते हैं पेंट करेंगे या रैप करेंगे, जो भी होगा वो आपको पता चली जाएगा, ठीक है ना। तो भाई हमारा एयर फिल्टर जो है एकदम क्लीन हो गया, नीट एंड क्लीन, बिल्कुल ब्रांड न्यू लग रहा है एकदम, वो भी फिट हो गया, ऑयल लग जाएगा इसमें अभी। टैपेट कौन कौन से टाइट है इसके सर जी? एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट वाला टाइट है, इंजन वाला लूज है, इनलेट वाला लूज है, इनलेट वाला, ठीक है। Quiet with a big mouth, listen for the doubt, then call it. Make you out for what you say to me. Look at every single need. If you got what I need, then oh, I'll take you on. Guys, अपने पास आ गया है Motul का 3140+, ये देख सकते हैं 20-40 ग्रेड है इसकी, और यहाँ पे कैस्ट्रोल का एक्टिव भी है, बट हम ये डलवाएंगे है ना, इसको ज्यादा पसंद करते हैं। पूरा एक लीटर जाएगा, ठीक है डाल दो। स्प्लेंडर के लिए यही रिकमेंड करता हूँ, बढ़िया है ना, सबसे जहर ने 3100 स्प्लेंडर के लिए बेस्ट है भाई, देख लो आपके सामने है, इसमें भी ये डलवा रहा हूँ। तो भाई अपने सारे काम हो गए, टैंकी लगाने वाला है अपना शरद भाई यहाँ पे, मौसम जी की यामा आ रही है उसका काम कर रहे हैं। और भाई मेरे को एक फनी चीज दिखी भाई, देखो उसका, ये देखो हेलमेट का उधर बत्ती का निकल रही है बंदा इतना खोया हुआ है कि उसको नहीं बत्ती नहीं पता कहाँ जा रही, देखो देख रहे हो मामला अलग ही गहरा हो रहा है। शरद विशाल बढ़िया है ना, हाँ वही कसम से भाई सारे कनेक्शन ओके हो गए। ये भाई इग्निशन ऑन, चलो भाई चलो उस्ताद जी इधर आ जा, कार्बोरेटर की ट्विन कर दो, बढ़िया सुन सुन सुन। तो गाइस कुल मिला के बाइक बिल्कुल साइलेंट हो रखी है, बिल्कुल साइलेंट, पर हल्की सी ने कार्बोरेटर के पास से हल्की सी एयर आ रही है, उसके बाद आ रही है, बाकी इंजन की आवाज सुनो यार भाई, बिल्कुल ब्रांड न्यू इंजन जैसा होता है ना, सेम वैसी आवाज आ रही है एकदम, टैमिंग चेन डलने के बाद टैप टैप टाइट करें, और बाकी एग्जॉस्ट नोट सुनो बिल्कुल आइडल कंडीशन पे भाई, कसम से भाई बिलीव नहीं करोगे आप, मैं बता रहा हूँ मेरे को खुद यकीन होगा गाड़ी स्टार्ट इस टाइम पे, देखो आप सुनो आवाज़, आवाज़ सुनो देख रहे हो बंदा फुल जहर कर दिया मामला इनने जब इसे पता नहीं इसका शॉट आ गया वाला। तो भाई इंजन बहुत ज़्यादा साइलेंट हो गया माशाल्लाह से, मज़ा आ गया मुझे, बस खाली की आवाज़ आ रही है वो और ख़त्म हो जाए फटाफट से, सर टेंशन में आवाज़ कहाँ से आ रही है ये देख रहे हो गया, अब हो गया, अब हो गया भाई। यहाँ पे हो रही है इसकी ट्विनिंग, जो इसका जो कार्बोरेटर है उसकी ट्विनिंग हो रही है, अब मीटर लगाएंगे मल्टीमीटर उससे लगाएंगे कि क्या इसकी हिसाब किताब है, मतलब एक प्रॉपर तरीके से जांच पड़ताल होके उसके हिसाब से इसको सेट कर देंगे, जहाँ पे आरपीएम सेट आएगा वहाँ पे कर देंगे, ठीक है ना। देखो भाई काम हो रहा है यहाँ पे, फुल मल्टीमीटर आ गया, अभी यहाँ पे लगाएंगे बाइक में, इससे क्या गाड़ी की जो धड़क होती है धड़क वो पता चल जाती है कि कहाँ पहुँच रही है गाड़ी मुझे, देखो इंजन पर देखो टच कर दिया उन्होंने, अब देखो इससे क्या फील आएगा उसमें, और जहाँ पे सेट होगा वहाँ पे इसको रोक देंगे। इंडिकेटर आ गए मनीष की दुकान से, देख सकते हैं फुल ऑन एलईडी है ये, बहुत बढ़िया दो ईयर है, दिखाओ अंदर दिखाना, तो भाई कुछ ऐसे दिखते हैं देखो, अब जलते कैसे हैं तो पता नहीं मुझे भी, बस मैं मनीष उनसे लिया हूँ उठा के अपनी गाड़ी के लिए, सही लग रहे हैं ना भाई, पतले पतले हैं उस्ताद जी, लग जाएंगे ना वाले हैं। तो गाइस ये अभी फिलहाल टेम्परेरी बेसिस पे लगा रहे हैं हम लोग, बाकी जब इसके जेनविन जब मिल जाएंगे तो जेनविन लगाएंगे बाद में, है ना उस्ताद जी। भाई देखो इधर ना इंडिकेटर इंस्टॉल हो चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं पीछे के, सिंपल एंड सोवर, पीछे का भी सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, मतलब कि हेडलाइट जो टेल लाइट थी उसके साथ कनेक्शन कर दिए इसके इंडिकेटर के, इंडिकेटर कनेक्शन हो गए ओके, इंडिकेटर पहले लगे थे अब लगा दिए मैंने, और बाकी जो है यहाँ पे एक छोटा बल्ब होता है पिद्दू सा, ये देखो नीचे यहाँ पे दिखेगा नहीं आपको,
तो इसका कनेक्शन भी कर दिया, इसके अंदर नया बल्ब भी डाल दिया, तो ये भी ओके हो गया। बट आने वाले टाइम में हम इसके अंदर LED लगा देंगे, बट अभी के लिए फिलहाल इतना ही, क्योंकि कनेक्शन चलने चाहिए मतलब, है ना। तो ये हो गया सारा काम यहाँ का। अब जो है सीट लगा देंगे सर इसके, है ना। They don't talk about, quiet with a big mouth. Listen for the doubt, then call it. Make you out for what you say to me. Look at every single need. If you got what I need, then oh, I'll take you on like a big deal. Legs you can unseal, key in ignition. Just keep me full, like at a meal. Once in a while, feel on my eye. I know you like it, can't fight it. I'ma let you ride the wave. New York and your LA come together, feel the shock waves. आपने देखा टाइम लैप्स जिसमें शॉकर उतारे, शॉकर को रिपेयर करा, मतलब इसका ऑयल था सारा निकाला, यहाँ पे ऑयल कम निकल गया था। उसके बाद जो है इसको टॉप अप करा नए मतलब ऑयल डालकर, उसके बाद फिटिंग दिखाई मैंने आपको, प्लस शॉकर के जो बूट होते हैं ये लगा दिए गए, इसमें बहुत जबरदस्त लग रहा है। इससे क्या है इसका लुक एनहेंस हो गया, प्लस थोड़ी ब्रॉडनेस आ गई, जैसे कि रॉड देखो कितनी पतली है, इसको लगाने वाले कितना ज़्यादा ब्रॉडनेस आ गई है, तो काफ़ी हैवी लुक आ रहा है। प्लस हमारा जो मीटर जो खराब था, इसकी पुरानी वाली वायर ये है ना, ये भी तो है। तो गाइस कुछ ऐसे ना देखो जुगाड़ कर रखा था जिसकी गाड़ी थी भाई, ये देखो कुछ ऐसे जब बिल्ली की तारें नहीं होती ऐसे काट पीट रखी थी, तो उस्ताद जी ने हमारे लिए अरेंज कर दिया। देखो ये वायर पूरा कंप्लीट, ये बहुत रेयर मिलता है लेकिन हमारे लिए अरेंज कर दिया है। तो फिलहाल इसका रिजल्ट जो है चेकआउट कराता हूँ आपको। घुमाओ भैया, क्या बात है, क्या बात है यार, बहुत हार्ड भाई, बहुत हार्ड उस्ताद जी भाई, थैंक यू, थैंक यू उस्ताद जी। हाय, टाइम हो रहा है इस टाइम पे 5:23, सुबह 11 बजे से लगे हुए, देख लो ये टाइम हो गया। तो इसे बोलते हैं तसल्ली से ऑथेंटिक काम, ठीक है ना, तो वो हो रहा है यहाँ पे। बाकी अभी जब चलाएंगे, और बाकी साउंड जो इसका एक नंबर आ चुका है, अभी फिटिंग रह गई है, जैसे कैलिपर का आप देख रहे हो, कैलिपर बाहर निकला हुआ है, वो फिट हो जाएगा। प्लस इसका उस्ताद जी और तो कुछ नहीं है ना, बस खाली यहाँ बल्ब का फोकस रह गया हमारा। तो भाई जो हमारा जो बल्ब है ना, हेडलाइट का बल्ब जो है, उसका फोकस ना थोड़ा ऊपर जा रहा है, हाई बीम पे, लो बीम पे थोड़ा नीचे, मतलब लो बीम पे मीडियम में है और हाई बीम पे ऊपर है। तो मैं चाह रहा हूँ कि लो बीम का नीचे आए और हाई बीम का स्ट्रेट आए, जैसा आता है जैसे, है ना। तो अभी फिटिंग विटिंग करा करूँ के फिर उसके बाद चेकआउट करेंगे लो बीम हाई बीम, और आपको मैं दिखाऊंगा प्रॉपर तरीके के। भाई कुल मिला के काम बहुत अच्छा हुआ है भाई, देखो यहाँ पे डिस्प्ले में आपको नंबर दिख रहा होगा शिव उस्ताद जी का। कोई सी भी गाड़ी हो, ये नहीं है कि सिर्फ इम्पल्स का काम दिखाया मैं तो इम्पल्स का रहा हूँ, ऐसा नहीं है। इम्पल्स के अलावा प्लेटिना हो, प्लेटिना पैशन हो, पैशन या आर एस हंड्रेड हो, तो मज़ा आ जाएगा, और ऐसी गाड़ी हो तो भी मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। सामान सारा एक नंबर, जितना हो सकता है तुम्हारे पैसे बचवाएंगे और सारा काम एक नंबर होगा मेरे कहने से भाई, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की। एक बार ज़रूर कॉल करो और आओ ज़रूर, ठीक है, मेरे कहने से भाई, ठीक है। गाइस फिलहाल जो है सोनी बाहर निकल चुकी है, देखो भाई सारे इंडिकेटर ऑयल सब कुछ डल गया, मीटर वायर होगा सब कुछ ओके हो गया। उस्ताद जी जा रहे हैं ट्राई लेने, ठीक है। साउंड सुन लो, साउंड पता नहीं चल रहा गाड़ी स्टार्ट है कि नहीं, क्या बात है भाई, क्या भाई। ये देखो अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था ना कि इसका स्विच खराब है, हैंडल वाला जो मतलब क्लच जो डिस्क ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो पीछे की ब्रेक लाइट नहीं जल रही है। तो भाई वो स्विच जो है ना, उन्होंने देखा कि उसमें थोड़ी सी ना पिन विन आउट है, तो कुछ साजी ना पिन पेश कर से कुछ तिकड़मबाजी कर रहे हैं, और देखो प्रॉपर जो है काम कर रहा है, देखो ये क्या बात है यार, बताओ भाई, यही तो चाहिए होता है हमारे को, और क्या चाहिए होता है भाई। तो आपने देख लिया आपके सामने, देखो जो चीज़ हो रही है मैं दिखा रहा हूँ आपको, बाकी दिखाता हूँ क्या जुगाड़ मार रहे हैं। उस्ताद जी क्या हुआ था वैसे? ठीक है, स्विच आउट चल रहा है बस।
तो ये हो जाएगा सेट है ना। दो अब कोई और मकैनिक होता कहता भाई स्विच लेके और नहीं हटलेगा। तो भाई यही चीजें हैं, देखो आपको दिखा रहा हूँ ये, इससे ना बंदा अवेयर होता है, मतलब अवेयर समझते हो ना, मतलब फुल जो है जागरूक हो रहा है देख देख के। भाई देखो ये चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ जो, ठीक है ना, नंबर डिस्प्ले में आ रहा है, फटाफट से भाई अपनी क्वारी जो भी है कॉल करो, नहीं तो बाइक लेके आओ, दिल्ली में है, साउथ दिल्ली नेहरू प्लेस कालका जी डीडी फ्लैट्स के पास, ठीक है। तो भाइयों ये लगा लो, मैं पूरा सेटिस्फाइड हूँ यहाँ पे काम करा कर, ये मतलब इतना सारा काम हुआ, इसका इंजन ऑयल चेंज हुआ, टैपिट सेट हुए हैं इसके, और जो टाइमिंग चेन होती है वो नहीं डली है, टाइमिंग चेन जो गार्ड होता है टाइमिंग चेन गार्ड वो डला है, एडजस्टर डला है, और ये लगा लो उसके अंदर छोटे मोटे काम हुए हैं, ब्रेक पीछे के नहीं लग रहे ढंग से तो वो भी नहीं लग, मतलब उसकी जो है कुछ सेटिंग आउट थी वो भी सही कर दी है, इवन स्विच में आपको जो अभी दिखाया थोड़ी देर पहले स्विच भी जो है ख़राब हो रहा था, मतलब मेरी नज़र में ख़राब था, बट इन्होंने देखा कि वो सही हो सकता है तो उन्होंने सही कर दिया। तो भाई यही चीज़ें होती हैं, यही एक मैकेनिक से उम्मीद करते हैं कि भाई वहाँ पर जाएँ तो वो कम से कम पैसे हमारे लगवाए, और जो चीज़ ख़राब है वो तो बदलेगी, लेकिन जो चीज़ ठीक हो सकती है तो वो भी चीज़ ओके हो जाए, तो भाई यही तो उम्मीद करके जाता बंदा। तो भाई मुझे लगता है कि आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख ली होगी, तो एक तो वीडियो को लाइक कर देना, और दूसरा आपके पास कोई सी भी बाइक हो फोर स्ट्रोक, जा भाई भौंके जा रहा है, तो भाई आपके पास कोई सी भी फोर स्ट्रोक बाइक हो ठीक है वो यहाँ पर लेके आना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भाई दिल से आपको मतलब रिकमेंड कर रहा हूँ एक तरह से कि भाई आप यहाँ पर अपनी बाइक लेके आओ, और सही बता रहा हूँ आपको निराश नहीं होना पड़ेगा यहाँ पर आके, मतलब आप ये नहीं कहोगे कि दानिश भाई जैसा आपने बताया वैसा था नहीं, आप ये बोलोगे नहीं, उल्टा आप कमेंट करके मुझे डीएम करके बोलोगे कि भाई मज़ा आ गया, भाई सही बता रहा हूँ मेरे को सीरियसली मज़ा आ गया। एक होता है ना अच्छी जगह जाके खाना खाते तो दिल खुश हो जाता कि भाई पैसे गए गए लेकिन काम अच्छा हुआ, मतलब खाना जो खाया बढ़िया खाया, सेम ऐसे यहाँ पर भाई काम बहुत अच्छा हुआ है, डजेंट मैटर कि भाई कितने पैसे लग रहे कितने पैसे लग रहे, बाकी काम एक नंबर हुआ है, ठीक है ना। तो चलो भाई फटाफट से यहाँ पे इनकी मतलब सब कुछ तो हो गया, अब फटाफट से पेमेंट वेमेंट करते हैं और निकलते हैं यहाँ से, ठीक है ना गाइस। तो भाई इसे लेके निकलते हैं और वीडियो करते हैं एंड, और काम जो है आपको पसंद आ गया होगा, ठीक है ना। अभी मैं आपको एक सब कुछ चेकआउट कराता हूँ, भाई चाबी की चाबी मेरे पास है, एक बार भाई इसको करते हैं इधर, तो फटाफट से आपको मैं दिखा देता हूँ एक जलवा। तो देखो इग्निशन ऑन, ठीक है जी, मीटर ऑन है, 6:03, फ्यूल थोड़ा इतना दिखा रहा हूँ, और अब जो है मीटर भी इसका चल गया है तो रीडिंग वीडिंग ओके हो जाएगी, और इसके इंडिकेटर आपको दिखा देता हूँ फिलहाल मैं यहाँ से, ये राइट वाला कर दिया मैंने, तो राइट वाला कुछ इंडिकेटर ऐसे बिलिंग कर रहा है, तो ये इंडिकेटर देखो कितना तेज़ है, और ये मनीष के पास मिल रहा है, ठीक है ना, मनीष के पास मिल जाएगा। इसके अंदर मैंने आगे ब्रेक लाइट से कनेक्शन नहीं लिए लेकिन पीछे ज़रूर लिए, ठीक है, पीछे का आपको चेकअप कराता हूँ, ठीक है। तो पीछे का लाइट देखो मैं आगे से ये डिस्क ब्रेक अप्लाई कर रहा हूँ, तो इंडिकेटर शायद ये भी चल रहा है, ठीक है भाई। तो ये डुअल टोन इंडिकेटर है, अगर आपको चाहिए तो मनीष मिल जाएगा, इसका मनीष का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, प्लस स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, ठीक है। ये करा लिया मैंने, और ये पीछे की लाइट जो है यहाँ से भी काम कर रहा है, देखो ये पीछे से भी काम कर रहा है, ठीक है, इंडिकेटर के साथ चल रहा है देखो, ठीक है। तो ये हो गया है, शॉकर के अंदर जो ऑयल कम था ऑयल नया डलवा दिया, प्लस इसके जो बूट होते हैं ये नए डलवा दिए, ठीक है ना, ये दो नहीं चार पीस लगे हुए हैं, ठीक है, जोड़ा है उस्ताद जी ने अपने हिसाब से, मीटर वायर नया डलवा दिया, ठीक है, ओरिजिनल डलवाया, ऑथेंटिक बढ़िया, साथ में ये वाला जो है इधर साइड का नया मिरर लगवा दिया, उधर का पुराना मेरा पड़ा हुआ था, मेरे पड़े थे 5-6 पीस, तो एक यूज़ में आया, तो मैंने कहा इसका साथ का एक ये पेयर मिल जाएगा तो हो जाएगा, हमारा पेयर कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ पे लद्दाख वाला फ्लैग लग जाएगा, और बाकी इंजन ऑयल डलवाया मैंने मोटोली 3100, ठीक है, और मैंने क्या कराया चेन सेट अभी नहीं डलवाया, ज़रूरत नहीं है, सरसा जी मैंने किया है। बाकी इसके इंजन के अंदर क्या काम हुआ है, एक तो इसमें टाइमिंग चेन डली है, टाइमिंग चेन गार्ड होता है ना वो टूटा हुआ था इसका, तो वो नया डलवा दिया, प्लस एक जो साइड की जो पैकिंग होती है मतलब गैस्केट बोलेंगे उसको, तो वो भी नहीं डलवा दी है, और भाई बाकी रॉकर इसके ओके थे, टैपेट एक तरफ के टाइट थे, केक के लूज थे, तो वो उस्ताद जी ने अपने हिसाब से टोन अप कर दिए, और भाई और क्या है बस, बाकी छोटे मोटे ट्यूनिंग वगैरह थी वो उस्ताद जी ने कर दिया, कार्बोरेटर पूरा अच्छे से साफ कर दिया बढ़िया तरीके से, इवन कार्बोरेटर के अंदर एक स्लाइड होती है वो कटी हुई थी, उस्ताद जी ने वो अरेंज कर दी, वरना वो नहीं लेनी पड़ती, उनके पास ऑलरेडी सामान रहता है दुकान के अंदर, इतना सारा सामान है, तो उन्होंने वो मेरे को अरेंज कर दिया इसके अंदर, तो इससे क्या मेरा आरपीएम जो ऊपर भाग रहा था वो अब नहीं भाग रहा है, कंट्रोल में आरपीएम, इवन मैं आपको बस न्यूट्रल है ना आवाज़ सुन लो बड़ी, ये हाल है इंजन का, देख रहे हो आवाज़ बिल्कुल, आवाज़ नहीं बिल्कुल साइलेंट कर दी गाड़ी, ठीक है ना, मज़ा आ गया मुझे एकदम बढ़िया, ठीक है ना। तो इसको करते हैं बंद, तो इंजन हो गया बंद हमारा, बिल्कुल साइलेंट बाइक है हमारी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइस इसी नोट पे वीडियो को मैं एंड करूंगा, और अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ यार लाइक देना वीडियो को, अगर बुरी लगी हो तो डिसलाइक करना, बट रीज़न ज़रूर देना। और रही बात जो मैंने आपको बताया वीडियो के बीच में कि भाई काम ऐसा हुआ वैसा हुआ, पिछले मैकेनिकों ने ऐसा काम किया था, वो सच है भाई, बिल्कुल भी सच है कि उन्होंने काम इतना झंडू करा है, पैसे पूरे ले लिए और उसके बाद
बंदों को कहते ना कि पपलू बनाए काट देना, मतलब चूतिया ना देना, तो भाई वो कर रहे हैं तो मत करना। जितने भी मैकेनिक देख रहे हैं ना भाई, सुधर जाओ, मैं बता रहा हूँ। तो मैं अगर मैं लेने पाया ना तो मैं ले लूँगा कसम से, ठीक है ना। तो चलो भाई, ये तो छोटी सी उन लोगों उन मैकेनिकों को झंडू मैकेनिकों को थी मेरी हिंट, ठीक है ना। और बाकी वीडियो कैसी लगी बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, राइड हार्ड, राइड सेफ, बड़ों की इज्जत करो, खुश रहो, बाय बाय।